ओके स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड 3 लेक्चर इन दिस चैप्टर. नाउ वी स्टार्ट लेक्चर फॉर ऑपरेशन ऑन फंक्शन. टुडे इज माय टॉपिक ऑपरेशन ऑन फंक्शन. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वंस अगेन वार्म वेलकम. आज डिस्कस करेंगे बच्चे हम लोग ऑपरेशन ऑन फंक्शंस के बारे में, ठीक है ना. तो ऑपरेशन ऑन फंक्शन यानी फंक्शनों पर हमें ऑपरेशन अप्लाई करने होते हैं. किस किस टाइप के ऑपरेशन अप्लाई होते हैं ध्यान रखना. एफ प्लस जी इंटू एक्स करेगी एफ एक्स प्लस जी एक्स. इट मीन्स ये कहना चाह रहा है कि x का मैंने कोई भी यहाँ पे पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है, यानी फंक्शन को डिफाइन कर रहा है. यानी f और g कोई दो फंक्शन हो सकते हैं और इस तरह डिफाइन किए जा सकते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स. यानी दो फंक्शनों का एडिशन भी पॉसिबल है, दो फंक्शनों का सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है, दो फंक्शन की प्रोडक्ट भी पॉसिबल है और दो फंक्शनों का डिवाइडेशन यानी कोशेंट भी पॉसिबल है. बट शर्त क्या है कि g डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो. और फंक्शंस का रेसिप्रोकल पे भी रिप्रेजेंट है कि 1 अपॉन एफ इंटू एक्स. तो आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे, 1 पे नहीं, क्योंकि 1 कांस्टेंट फंक्शन होता है, एफ ही फंक्शन है, ठीक है. तो इसे क्या डिफाइन कर सकते हैं, 1 अपॉन एफ एक्स, ठीक है बेटा. तो ये इस तरह से आप लोग फंक्शनों को डिफाइन करते हैं, एफ प्लस जी एक्स, एक्स के इनसाइड मल्टीप्लाई एफ एक्स जी एक्स, एफ माइनस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ अपॉन जी इंटू एक्स, एफ एक्स अपॉन जी एक्स. ओके बेटा, अब इसे एक एग्जाम्पल की भी आप समझते हैं बेटा. एग्जाम्पल लिखा है एफ सच दैट रियल टेंस टू रियल, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी सच दैट आर टेंस टू रियल, जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन. कंडीशन पूछा बेटा, एफ प्लस जी एक्स की वैल्यू बताओ, एफ माइनस जी एक्स की वैल्यू, एफ जी एक्स की वैल्यू, एफ अपॉन जी एक्स की वैल्यू. कुछ नहीं करना बेटा, एफ प्लस जी एक्स है, एफ की एक्स एक्स से मल्टीप्लाई, जी की एक्स से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया एफ एक्स प्लस जी एक्स. एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए कितना, एक्स स्क्वायर. जी एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए कितने बेटा, टू एक्स प्लस वन. कैलकुलेट करके करने बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर. ओके बेटा, अब आता है एफ माइनस जी एक्स की कंडीशन में, ये पॉजिटिव हो गया तो एक क्या आ गया आपके पास, नेगेटिव आ गया. तो f माइनस जी इंटू एक्स को क्या कनेक्ट करेंगे आप, अब इसे माइनस कर दीजिए क्योंकि एफ एक्स माइनस के जी एक्स. एफ एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर और जी एक्स मीन्स माइनस टू एक्स प्लस वन, इन साइड मल्टीप्लाई, दिस इज रिक्वायर्ड योर कंडीशन. आपके पास आ गया बेटा f इंटू जी एक्स करके, तो कैसे करेगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स. एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दे, जी एक्स की वैल्यू पुट कर ले, फाइनली कैलकुलेट कर ले, दिस इज रिक्वायर्ड योर आंसर. एफ अपॉन जी एक्स इट मीन्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू एक्स प्लस वन हो गया. क्लियर होगी बेटा बात. तो इस टाइप से आप फंक्शनों को क्या करते हैं, डिफाइन, यानी कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे वैल्यूज दी ना आपने क्या करी, इनकी मल्टीप्लाई करके वैल्यू पुट करनी है बस, और वही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर. उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कर लेना, पॉसिबल है यदि कैलकुलेशन उसकी तो पॉसिबिलिटीज करके उसकी कैलकुलेट कर लेना, यदि पॉसिबल नहीं है उसकी कैलकुलेशन तो एज इट इज छोड़ देना बस उसको. ओके बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं और क्वेश्चंस को. ओके बेटा.